हाय गाइस, आई होप आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मी ईमान और मैं आपको होम डेकोर टिप्स दूंगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने कहा मैं आप लोगों से एक कंसोल सेटिंग के बारे में डिस्कस करूं। सो बेसिकली ये एक कंसोल है और हम इसके ऊपर एक मिरर भी लगा हुआ है और मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप किस तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिक कलर पैलेट्स को भी बताऊँगी कि कौन सी कलर पैलेट्स आपको यूज़ करनी चाहिए और आप किस तरह जो है वो किसी भी बोरिंग स्पेस को जो है वो एलिवेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लांट्स भी ऐड कर सकती हूँ और कुछ डिफरेंट एरियाज़ भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने चेयर्स ऐड की हैं और आप चाहे आप प्लांट्स ऐड कर लें वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बेज कलर की विक्टोरियन चेयर्स यूज़ की हैं और ये बड़ी इन्हेंस करी हमारे कंसोल को और थोड़ी सी लाइफ इसने जो है वो रख कर दी है। फर्दर हम इसमें आगे चीज़ें ऐड करते जाएंगे जो कि इसको बहुत एक कम्प्लीट सी लुक दे देगा। सो आपने स्किप नहीं करना वीडियो और आगे देखना है। नाउ गाइस, सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है रनर। ठीक है, आप कोई भी कलर पैलेट जब आप चूज़ करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना रनर भी अकॉर्डिंग टू डैट यूज़ करें। और जैसे यहाँ पे मैंने बेज कलर का रनर जो है वो यूज़ किया है। आप रनर के बग़ैर भी कर सकते हैं लेकिन आई प्रेफर्ड यूजिंग रनर बिकॉज उसमें आपको ये डर नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स आपके पास कोई डेकोर पीसेज ऐसे होते हैं डैट मे कॉज अ लिटल स्क्रैच टू योर फर्नीचर आइटम्स, तो वो नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने जो है लैम्प्स रखे हैं। लैम्प्स जो है वो हर चीज़ को एलिवेट कर देते हैं। और अगर आपको जो ये तारे नज़र आ रही हैं, डोंट वरी, वील गेट इट राइट। ठीक है, तो अब हमने लैम्प्स ऐड किया। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि लैम्प्स जो है वो मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक ऐड किए हैं। बेसिकली आपने देखे हर चीज़ बहुत वुडन है, तो मैंने लैम्प्स के लिए मैं बड़े ट्रांसपेरेंट के ऊपर गई थी और मैंने ये वाले लैम्प्स लिए। सही है, आप देख सकते हैं इनकी बड़ी लाइट जो है वो नीचे से भी थ्रो ऐसे लग रहा हो रही है और ऊपर से तो इन्होंने बहुत अच्छा लुक दे दिया। मैंने इस मिरर के बारे में आपको बताना था। ये मिरर जो है वो बेसिकली कार्व्ड मिरर है और हम इस कंसोल के साथ इसको हमेशा पेयर अप करते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लैम्प लाइट्स हैं इसने कितना एलिवेट कर दिया है इस पूरे मिरर को, इसकी जितनी भी कार्विंग है इसको कितना एलिवेट कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स दिखा रही हूँ कि किस तरह जो है इस पर कितनी कार्विंग हुई हुई है, कितनी डिटेल में। और आपको जैसे कि पता है फ्लावर्स के बगैर तो कोई चीज़ कम्प्लीट हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर मैंने फ़्लावर्स ऐड किए लेकिन टर्कोइस वाज में रह के। सही है, यहाँ पर थ्री कलर पैलेट्स जो है आपको अब नज़र आ रही हैं, जिसमें क्या है आपके पास टर्कोइज कलर के फ्लावर्स हैं, फॉन कलर के फ्लावर्स हैं और गोल्ड कलर के लीव्स हैं। ठीक है, और वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ यहाँ पे वो किस तरह आप अपने थीम के अंदर रह के जो है वो बहुत सी अपनी जगह को एलिवेट कर सकते हैं। वाज भी मैंने जो है वो चूज़ किया टर्कोइज ताकि आप आउट ऑफ दी थीम कोई चीज़ ना जाए। वी हैव ऑलरेडी क्रिस्टल्स इन आवर लैम्प और आप देख सकते हैं कि जो हमारा रनर है उसने कितना नीट कर दिया है। यहाँ पर मैंने ऐड किए कैंडल्स। आपको पता है कैंडल्स के बगैर तो कोई चीज़ जो है वो कंप्लीट लगती नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कैंडल्स ऐड की हैं, एक लाइट टर्कोइज की और एक डार्क टर्कोइज की। सही है, आप देख सकते हैं इनकी हाइट में भी डिफरेंस है, इनके टेक्सचर में भी डिफरेंस है, तो एक बड़ी अच्छी लुक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको सारा बता रही हूँ और नीचे जो है वो मैंने इनके मेटल के ब्लैक कलर के मेटल के कैंडल स्टैंड्स ऐड किए हैं जो कि बहुत टर्कोइज कलर को एलिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे जी आगे हमारा मास्टरपीस, ये एंड जो है ये हमारा मास्टरपीस है एंड इट्स वेरी हैवी, इट्स मेड अप ऑफ प्योर मेटल और ये यहाँ पे हमने एज अ मास्टरपीस जो है वो इस एरिया का कवर करने के लिए हमने चूज़ किया है और बड़ी प्यारी सी कॉन्टेम्प्रेरी लुक दे रहा है। अब हम इस एरिया को जो है वो कम्प्लीट करेंगे, तो मैंने आपको इस एरिया की सारी पिक्चर्स दिखा दी। ठीक है, एंड आई होप आपको यहाँ तक जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने लाइक और सब्सक्राइब अभी जल्दी से कर दें और फर्दर मोर आप मेरी वीडियोस के लिए वेट करें। मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना के लेके आऊँगी एंड आई होप कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने एक और वेज ऐड किया है जो कि बिल्कुल सेम है जो मैंने जिसमें फ्लावर्स वाला वेज था। ठीक है, अभी इसका भी टेक्सचर डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक एनिमल की शेप का जिराफ जो है वो रख दिया। इसका कलर जो है ब्लैक है जो कि हमने मैच किया अपनी इधर की चीज़ों के साथ, तो हम थीम के अंदर रह के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो कभी भी टेक्सचर, कभी भी कोई ऑड से ऑर्नामेंट ऐड करते हुए घबराना नहीं है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने जिराफ ऐड किया, इट डजेंट लुक ऑड एट ऑल,
तो यहाँ पे ये हमने अपनी पूरी लुक जो है वो क्रिएट कर लिया तकरीबन, बस दो तीन टचेस रहेंगे एंड देन वी आर डन। यहाँ पे जी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती बग़ैर लैम्प के और बाकी इन चीज़ों के, और रग तो फिर ज़रूरी है जो मैंने आपको दिखाया है। तो ये हमारी पूरी लुक हो गई है कंप्लीट, आई होप आपको पसंद आई हो। और वैसे ये हमारी वुडन फ्लोरिंग है जो कि बहुत एलिवेट कर देती है हर चीज़ को, बड़ा अच्छा आपकी टेक्सचर दे देती है फ्लोर को, जिससे आप उसके ऊपर जो चीज़ पड़ी हो बड़ी अच्छी लगती है। तो साथ में मैं आपको इन प्लैंक्स का बताना भूल गई। तो ये बेसिकली दो प्लैंक्स जो हमारे पास यहाँ पे आप साइड्स पे देख रहे हैं, ये एक बीडिंग है जिसको उर्दू में गोला भी कहते हैं, उसको हमने पेंट करवाया गोल्ड, और उसके अंदर हमने लगवा लिया वॉलपेपर स्टेइंग विद इन द थीम, जो कि हमारी फॉन ब्लैक टर्कोइज है और गोल्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसने बड़ी अच्छी लुक दे दिया आपके पूरी इस एरिया को जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और ये रग हैंडमेड है।